अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ जी मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। तो जी आज के व्लॉग में जो है वो मैं आप लोगों के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। और ड्रेस डिज़ाइनिंग किया बस मैंने जो है ना वो कपड़े स्टिच किए थे। मैं थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी साथ करती रहती हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा कोई इतनी ख़राब लाइट आ रही थी, इतनी ख़राब लाइट आ रही थी और मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैंने क्या ये वीडियो बनाई है और मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा जो है ना इसको एडिट करने में। चले आप जैसा भी आप लोगों के साथ बस मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये कपड़े भी मेरे पास मौजूद नहीं है, मैंने भिजवाने थे भिजवा दिए, नहीं तो मैं दोबारा से वीडियो जो है ना वो बना लेती। तो ये तीन सूट मैंने स्टिच किए थे, चार किए थे, हैर एक तो नहीं है इसमें, तीन सूट जो है ना वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जिसमें थोड़ी बहुत ड्रेस नहीं की है। मैं खुद ही कपड़े स्टिच करती हूँ तो मैं बस आप लोगों को थोड़ा सा, जो लोग खुद करते हैं ना उनको आइडिया हो जाए कि जी घर में भी हम जो है ना वो स्टिच करके थोड़ी बहुत जो है ना वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, हर कोई बाहर से अफोर्ड नहीं करवा सकता। अगर आप 2000 का सूट लेते हो तो आप 1500 जो है ना वो सिलाई नहीं दे सकते, तो इससे बेहतर है कि आप ज़्यादा ना सिलाई करें, थोड़े थोड़े तो 3-4-5 दिन लगा कर एक सूट जो है ना आसानी के साथ सिलाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले जी ये वाला मेरा सूट है जो कि मेरा ईद का सूट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो ईद में जो है ना वो लोन ही पहनी जानी, और ये इतनी सॉफ्ट सी पतली सी लोन है कि मतलब मज़ा आ जाएगा पहन के इस गर्मी में। तो ये इसकी शर्ट है और ये फिरोजी सा कलर है, इसमें येलो का भी कंट्रास्ट है, इसमें ऑरेंज का भी कंट्रास्ट है, इसमें ब्लैक का भी कंट्रास्ट है, तो जो है ना ये बहुत प्यारा लग रहा था तो इस वजह से मैंने लिया। तो इसकी जो है ना आप नेक लाइन देख लें, नेक लाइन पे इसके मैंने जो है ना वो प्लेट्स डाल के, पिनटेक्स डाल के, तो फिर पट्टी लगाई है, फिर शीशे लगाए और साथ लैस अटैच किया। यही लैस जो है ना वो मैंने दामन पे और इसके अलावा उसके साथ जो है ना वो बाजुओं पे भी अटैच किया। तो ये है इसका नेक का डिज़ाइन और ये आजकल बहुत चला है। इसके अलावा जी बाजुओं पे यहाँ पर मैंने वही जो है ना वो लैस अटैच किया और इसके साथ जो है ना मैंने वो एक पाँव का फासला रख के तो पिनटेक्स डाली है, जो बड़ी वाली पिनटेक्स होती है। इसके बाजुओं की लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि चलो काटने से बेहतर है कि हम लोग पिनटेक्स डाल लेते हैं और एक डिज़ाइनिंग हो जाएगी। और यहाँ पर भी जो है ना वो मैंने लैस लगाई है, लैस सिंपल से लगाई है, कुछ लोग नीचे पलटा भी लगाते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि उस तरह से जो ना वो टाइम काफ़ी लग जा रहा था। अच्छा इसके बाद जी इसकी कैप्रिया और इसमें जो ना वो मैंने ऊपर जो ना वो बेल्ट बनाई है इलास्टिक से, और इसके अलावा जी नीचे ये प्रिंटेक्स डाली हैं और थोड़ी सी ये जो ना वो बॉक्स लगा के, तो इसकी ब्लैक कलर में जो ना वही कपड़े का पीस लेकर छोटा सा मेरे पास बचा था तो इसकी डिज़ाइनिंग कर दी। तो ये जी हो गया एलिगेंट सा डिज़ाइन और घर पहनने के लिए वैसे ऐसे ही डिज़ाइन होते हैं, मतलब थोड़ा सा ईद पे पहनना है, एक पहनना है और फिर बाद में घर पहने जाते हैं कपड़े, तो क्योंकि तो इस वजह से छोटे एलिगेंट सी डिज़ाइनिंग हो तो अच्छी लगती है। अच्छा ये इसके साथ दुपट्टा है और इसका दुपट्टा बहुत सॉफ्ट सा प्यारा सा, मतलब सही मज़े वाली लोन है ये वाली इस कपड़ों की जो है ना। इसके अलावा जी ये आ जाते हैं मेरा फेवरेट कलर है और ये है मस्टर्ड कलर, और इसकी जो डिज़ाइनिंग की है वो मैंने आप लोगों को मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो है वो इसकी कैपरी से स्टार्ट करते हैं, ऊपर जो ना वो मैंने इलास्टिक डाला है उसको बंद किया, फिर ये नीचे आ गए, नीचे भी जो ना पिनटेक्स डाली है और पिनटेक्स के दरमियान जो ना वो डिज़ाइनिंग के लिए तिल्ले वाली लैस की दो जो ना वो लगा दी है लेयर्स। तो इस तरह से इसकी जो ना कैपरी की डिज़ाइनिंग डन होगी। इस तरह जी आप शर्ट पे आ जाते हैं, शर्ट पे यहाँ पर मैंने उसी तरह से, आजकल इस पट्टी का बड़ा फैशन है तो थोड़ा सा डिफरेंट करके वहाँ पे मैंने पिनटेक्स डाली थी पट्टी पर, इसमें जो ना मैंने पट्टी सादी लगाई है और पट्टी लगा कर ना तो इस पर जो ना वो मैंने शीशे लगाए, क्योंकि आजकल शीशे इतने चल रहे हैं, लैस वाली दुकान पर चले जाओ तो वहाँ जो भी आता है वो शीशे मांग रहा होता है। तो मतलब मुझे नहीं था कि मैं डिज़ाइनिंग करूँगी लेकिन हर कोई शीशे मांग रहा था तो मैं भी जो है ना वो शीशे ले, मैंने कहा चलो शीशे के साथ जो है ना कोई डिज़ाइनिंग करूँगी, तो ये फिर मैंने इसके साथ डिज़ाइनिंग की जो मुझे अच्छी लगी। तो ये है, अच्छा जी ये फिर पीछे मुड़ गई हूँ मैं, अभी मैंने गला इसका दिखाना है आप लोगों को, और इसमें जो ना मैंने ये किया कि इसके गले में जो ना वो समोसे लगा दिए, तो यहाँ पे फिर मैंने नीचे हाफ वाइट लैस लगा दी है। चले अब इसकी गले की डिटेलिंग की तरफ आ दे, तो यही मैंने एक तरफ जो ना वो लैस लगाई है पट्टी के, दूसरी तरफ समोसे लगाए और भी जो ना फिर शीशे जो ना वो सुई के साथ आसानी से लग जाते हैं, छोटी वाली सुई जो होती है ना उसके साथ। तो ये इसकी डिज़ाइनिंग डन हो गई और ये भी सिंपल सा एलिगेंट सा सूट है, और ये मैंने अपनी सिस्टर के कपड़े स्टिच किए थे तो मैंने ये जो है ना भिजवा दिया। मेरे पास सिर्फ अपना सूट है, नहीं तो मैं दोबारा वीडियो बनाती, ये वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी, लेकिन मेरे का बनाई हुई है तो मैं शेयर कर देती हूँ। इसका जो दुपट्टा है ना वो बहुत प्यारा है, सूट से ज़्यादा जो है ना वो मुझे दुपट्टे अच्छे लगे, क्योंकि दुपट्टे की जो लोन है बड़े मज़े की है और एक मुलायम सा, वो जो मलमल वाला कपड़ा नहीं होता ना तो वैसी लोन है,
तो ये भी जो है वो बहुत प्यारा सा सूट है, ये भी डन हो गया। इसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना एक बार ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ कि ये कैसा है ये। और इसके बाद जी ये एक और सूट आ गया, ये भी मैंने अपनी सिस्टर का स्टिच किया जो यहाँ पर रहने आई थी, और मैंने अपने व्लॉग में दिखाया भी था कि मैं सिंपल वाला सूट लाई हूँ और मैं स्टिच करूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। तो जी ये ऊपर से ये भी वैसा है, फिर ये जो है ना कैप्री स्टाइल में थोड़ा सा खुला बनाती हूँ, तंग नहीं बनाती। अच्छा जी ये और जो है ना इसके भी प्रिंटेक्स डालने तीन, फिर जो है ना वो सीडी लैस लगाई गए, फिर तीन प्रिंटेक्स डालने, तो ये जो कैप्री का डिज़ाइन जो है ना वो डन हो गया। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सिंपल सूट में मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कंट्रास्ट करूँ लैस का, तो मैंने जो है ना वो मल्टी का कंट्रास्ट किया, और मल्टी लैस मल्टी पाइपिंग, तो जो है वो मल्टी इस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। लेकिन मेरा वैसे दिल था कि रेड का करूँ, फिर जो है मैंने सीडी लैस लगाई, वो मैंने रेड लगा ली कि चलो जो है ना वो अच्छी लगेगी इसके साथ। तो ये मैंने थोड़ी सी बड़ी फ्लावर्स वाली लैस लगाई है जो है ना वो इसके एंड पे घेरे पे, मेरे को अच्छी लगेगी। इसके अलावा जो बाजुओं का डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बाजुओं पे इसके जो है मैंने पिनटेक्स डाले हैं, पिनटेक्स डाले हैं, फिर मैंने एक सीडी लैस लगाई है, फिर पिनटेक्स डाले हैं, बड़े वाले पिनटेक्स डाले, तो बड़े वाले यहाँ पे अच्छे लगने थे। मैंने कैप्री पे बड़े वाले डालने थे, लेकिन वो जो है ना वो कपड़ा कम पड़ जाना था, इस वजह से जो है ना मैंने उस पर छोटे डाले। तो यहाँ पे गले का डिज़ाइन है, और इस पर भी जो है ना वो मैंने पाइपिंग के साथ इसकी डिज़ाइनिंग करके तो बटन अटैच कर दिए। तो ये है जी इसके ओवर लुक। और दुपट्टा मुझे इसका मल्टी में नहीं मिला, वो बहुत बड़ा मिल रहा था, मेरी बहन 13 साल की है, तो मैंने उसके साथ फिर सिंपल ये वाला जो है ना वो क्रेप वाला दुपट्टा ले लिया, रेड मिल गया, चलो मैच हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को जो है ना मेरी एफर्ट पसंद आई होगी, और मैंने खुद स्टिच की है, तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।